नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। बात समीक्षा के सच की होगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं आपको। सबसे पहले हरियाणा से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ से हरियाणा सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। आपको बता दें कि 2016 में जाट आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे, उन मुकदमों को वापस लेने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि सरकार इन मुकदमों को वापस लेगी, लेकिन साथ ही साथ इस तरह की भी खबरें सामने आ रही है कि सरकार जघन्य अपराध के जो मामले दर्ज हुए थे उनको वापस नहीं लेगी। जघन्य अपराध के मामले वापस नहीं लिए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रही है। अहम खबर इस वक्त की सामने आ रही है हरियाणा से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो 2016 के जाट आंदोलन के दौरान जो मामले दर्ज हुए थे जिनको वापस लेने की मांग जाट समुदाय लगातार कर रहा है, उस मांग पर अब एक अहम फैसला लिया गया है। और ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि जघन्य अपराधों को छोड़कर बाकी सभी मामले वापस हो सकते हैं। और जाहिर तौर पर ये बात स्पष्ट हो रही है कि जितने भी जघन्य अपराध हैं या फिर जघन्य अपराध से जुड़े जितने भी मामले हैं उसमें बरकरार रहेगा ये मामला, लेकिन उसके अलावा जितने भी अपराधी या फिर जो लोग जेल के अंदर बंद हैं उनको वापस उनको बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। जाट आंदोलन पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे, सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला इसको माना जा सकता है। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर है, लेकिन 2016 में दरअसल ये दर्ज हुए थे मुकदमे, और जिस तरीके से फरवरी महीने के अंदर आंदोलन हुआ उसके बाद जो चीज़ें बदलती हुई नजर आई, पूरा प्रदेश जलता हुआ नजर आया, उसके बाद मुकदमे यहाँ पर दर्ज हुए थे। जी हाँ, तो आपको ये भी बता दें कि अब इन मामलों को वापस लेने की बात सामने आई है। हालांकि सोर्सेज के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, लेकिन हमारे सोर्स जो हैं, सूत्र जो हैं, वो बहुत ही विश्वसनीय हैं और बहुत जल्द सरकार की तरफ से औपचारिक और आधिकारिक बयान भी इस पूरे मामले में आ सकता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आज 5 सदस्यीय कमेटी जो तैयार की गई है, उन्होंने एक बैठक भी की थी और उस बैठक के खत्म होने के कुछ घंटों के बाद इस तरह की खबरें सामने आई जो सोर्सेज के हवाले से हम ये बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये उस बैठक के दौरान इस बात पर फैसला लिया गया हो। जी हाँ, तो हमने अपनी इस बड़ी बहस को भी बदल दिया है। अब हम चर्चा करेंगे मुकदमे होंगे वापस, जो कि सरकार की तरफ से इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है लगातार हम उसे अपडेट करा रहे हैं, और आज अपनी अचानक से हमने भी अपनी इस बहस का मुद्दा भी बदला है। और इस बदलते हुए माहौल के साथ ही हमारे साथ हमारे खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ विकास चौधरी जी कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है विकास चौधरी जी आपका, और साथ ही महिपाल सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस पूरे कार्यक्रम के अंदर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और साथ ही कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन फिलहाल सबसे पहले मैं महिपाल सिंह जी आपके पास आना चाहता हूं। जिस तरीके से चीज़ें बदलती हुई देख रहे हैं आप, और शुरुआत में हालांकि बीते दिनों में सुभाष बराला की तरफ से एक बयान सामने आया था कि जेल के अंदर जितने भी लोग या फिर आंदोलन के बाद जो मुकदमे दर्ज हुए वो सभी ज़्यादातर लोग अपराधी हैं, लेकिन उसके बाद आज ये स्टेटमेंट आती है सरकार की कि क्या वो चीज़ें हैं, और फिर कहा जाता है कि मुकदमे वापस लिए जाएंगे। तो ये दो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, कैसे दिख रहे हैं आप? देखिए शुभेंदु जी, सवाल एक दो तीन उठते हैं इसमें। पहला सवाल तो यही उठता है कि अब तक सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, परंतु जनता टीवी जैसे एक जिम्मेवार चैनल के ऊपर के पास अगर इस तरह की जानकारी है तो उस पर अविश्वास का भी कोई कारण नहीं बनता है। और मैं इस बात को मान के चलता हूँ कि जो आपके पास जानकारी वो पुख्ता ही होगी, और ये अच्छी खबर है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये खबर सच्ची हो, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल इस समय प्रदेश में बना हुआ है वो माहौल न जनता के हित में है, न प्रदेश के हित में, न सरकार के हित में है, तो ये और न देश के हित में भी नहीं है जी। अगर जनता के किसी प्रदेश अगर शरीर का कोई अंग में कोई तकलीफ होती है तो वो पूरे शरीर को तकलीफ होती है। तो इसी प्रकार से अगर हरियाणा जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट में कोई गड़बड़ होती है तो पूरे देश के अंदर इसके असर जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी खबर सच्ची हो और ये खबर जो है सरकार की ओर से जल्दी अनाउंसमेंट हो जाए ताकि लोगों को अमन चैन से चैन मिले। दूसरी बात कि सरकार का जो फैसला लिया है ये मैं कहता हूँ कि भले ही देर से लिया है, ये फैसला 10 दिन पहले भी हो सकता था, 20 दिन पहले भी हो सकता था। और जब 27 तारीख को खुद मुख्यमंत्री ने पहल करके खाप नेताओं को मिलने के लिए बुलाया, उसके तुरंत बाद अगर वो कैबिनेट मीटिंग करके इस तरह का फैसला करते तो और ज़्यादा बेहतर होता, परंतु देर आयत दुरुस्त आयत, जब ये कोई देर नहीं है जी। अभी भी अभी तक जी, अभी तक भी, जी, क्या जी। आप देख रहे हैं इसमें इतना बड़ा फेरबदल, आप कह रहे हैं कि समय लगा, लेकिन इस समय के लगने के साथ आखिर दबाव क्या सरकार के ऊपर है, या फिर क्या आप चीज़ देख रहे हैं जिसकी वजह से सरकार को ये फैसला लेना पड़ रहा है?
देखिए दो तीन चीजें इसमें शुभेंदु, पहली बात तो ये है कि सरकार भी जानती है कि अगर तुम जनता, सरकार कौन होती है, सरकार जनता ने के चुने कुछ लोग होते हैं उसे सरकार कहते हैं, सरकार सरकारी अमला होता है, जो सरकारी मुलाजिम होते हैं जो उन नेताओं के आदेशों की पालना करते हैं, कानून बनाना और नीतिगत फैसले लेना उन लोगों का काम होता है, और जो अधिकारी लोग होते हैं उनको सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि दबाव की बात जहाँ तक है, दबाव तो जनता बनाएगी ही बनाएगी, जनता को जब तुम्हारे ऊपर 1300, 800, 900 एफ आई आर दर्ज हैं लोगों के ऊपर, मुकदमे चल रहे हैं, अभी भी कुछ लोग अंदर हैं, लोगों की जो जायज़ मांगे हैं मेरी निगाह में जायज़ हैं, हो सकता है सरकार के निगामों में कुछ नाजायज भी हों, तो वो उन जायज़ मांगों के ऊपर एक रिव्यू कमेटी बैठाई गई है। आंदोलन पर कितना असर पड़ेगा? देखिए जब सरकार ये फैसला ही कर देगी, मुख्य मुद्दे तीन इनकी 6-4 डिमांड थी, उनमें सबसे बड़ी डिमांड तो यही थी, जो आरक्षण का तो मुद्दा एक तरफ चला गया क्योंकि वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और कोर्ट के अंदर पेंडिंग भी आज एक बड़ा फैसला किया कोर्ट ने भी, कि जैसे कुछ यादव नेताओं ने कहा था कि भाई हम चूँकि सिख जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं जो जज, इनसे हम वो इनसे न्याय की उम्मीद नहीं करते, कोर्ट ने करारा झटका देते उनका कि जजों कोई जाति नहीं होती, जज केवल जज की एक जाति होती है वो जज, और ये किसी इस तरह के जो आरोप हैं वो जजों के ऊपर वो ठीक नहीं है, और उन्होंने बेंच बदलने से इनकार कर दिया। एक मिनट जो आपके बात का सवाल तो रहेगा, दूसरी बात आपने जो पूछी थी कि भाई इसका आंदोलन पर क्या असर पड़ेगा, आंदोलन पे असर यूँ पड़ेगा कि उनकी आरक्षण की मांग से हटके सबसे पहली मांग यही थी कि जो बच्चे की जेलों में हैं उनको रिहा किया जाए और उनके मुकदमे वापस किए जाएं। दूसरी मांग है कि उनको सरकारी नौकरियां दी जाएं जो हैं। देखिए सरकारी नौकरियों पर पता नहीं अब क्या फैसला लेती सरकार, कल तो जैसे कह रहे थे ना कि वो डीसी रेट पर नौकरियां लगाई जाएंगी, डीसी रेट की नौकरियां तो कोई मीनिंग नहीं होता, डीसी रेट की नौकरी तो केवल मात्र दिहाड़ीदार मजदूर जैसी होती है, जब तक सरकारी नौकरी पक्की नौकरी ना हो। जरा रिएक्शन विकास जी आपका भी ले लेते हैं, इतनी बड़ी खबर है ये। तीसरी अच्छा चलिए विकास जी से सुन लेते हैं सर, फिर आऊंगा आपके पूरा एक घंटा। चलिए देखिए साकेत जी, अगर आपने जो खबर दिखाई है तो सच्ची होगी, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि हम इस फैसले का बहुत स्वागत करते हैं क्योंकि ये हरियाणा के हित का फैसला है। एक साल से ज़्यादा हो गया वो बच्चे जेल में हैं और उनमें कई निर्दोष भी हैं। खुद इनके प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा, कल मैं सुन रहा था बयान में, कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाती है। अगर उन्होंने चलो गेहूं के साथ घुन मान ली तो मैं तो कहता हूं ये भी बहुत बड़ी बात है, आज उन्होंने घुन को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन मैं आपको बता दूं इस फैसले की वजह क्या रही। ये 3-4 दिन पहले आपको पता होगा अमित शाह जी ने मीटिंग की वीरेंद्र जी के यहाँ पर, चौधरी वीरेंद्र जी के यहाँ रात को इनकी डिनर डिप्लोमेसी मीटिंग होती है, जिन्होंने हरियाणा के और यूपी के जाट नेताओं को बुलाया और उनसे बात करने की कोशिश करी, क्योंकि जो यूपी में जो जाट वोटर था वो हरियाणा में जो जाटों के साथ जुल्म हुए, जो इनके साथ अत्याचार हुए, जिसको लेकर के आज लाखों महिलाएं आपके टीवी पे भी दिखा रहे हैं, हजारों महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, धरने दे रहे हैं और 19 जिलों में धरने दे रहे हैं, उसको लेकर के सबकी रिश्तेदारियां भी हैं, इंटरकनेक्टेड प्रदेश है, हरियाणा यूपी वालों की, राजस्थान वालों की, उत्तराखंड वालों में भी जाट है, तो सब में एक मैसेज जा रहा था कि भाजपा जो है वो जाट विरोधी सरकार है और ये यहाँ पर इसने 35 बनाम 1 की लड़ाई चालू करवाई है। जैसे गुजरात में इन्होंने आरएस मॉडल लागू किया था मुसलमान वर्सेस हिंदू का, वहां पर बड़ी मेजोरिटी जाट होने के कारण इन्होंने भेदभाव कर रहे हैं। तो जब ये मैसेज दूसरे प्रदेशों में गया तो वहां पर चुनाव का इस पर असर दिखने लगा और वहां के जाट मतदाताओं ने भाजपा से किनारा कर लिया जो लोकसभा के चुनाव में इनको पड़े थे। इस फैसले के बाद आपकी जीत है या आपकी हार रही है? देखिए हमारी तो जिसमें हरियाणा की जनता की जीत है उसमें कांग्रेस की जीत है, हमारी कोई पर्सनल किसी के लिए कभी पार्टी की कोई लाइन नहीं है, हम तो जनता की लाइन पे चलते हैं, जिसमें जनता का हित है उसके साथ है। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ इसका असर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसके फायदा होगा? देखिए अभी तो उन्होंने घोषणा नहीं करी है, आप पे सूत्रों से खबर आई है, रात को करेंगे, यदि ऐसा होता है। एक दिन पहले इन्होंने ये तुरप का चलने की कोशिश करी है कि हम किसी तरह से कमेटी भी, मैंने तो पहले भी कहा था कई जगह पे कि ये कमेटी भी बनी है अमित शाह की मीटिंग के बाद बनी है, जब उन्होंने देखा कि जब जाट नेता खाप नेता वहां मना कर गए उनके डिनर में, तो इन्होंने तुरंत आनंद फानंद में कमेटी बनाई। अब कमेटी बनाने के बाद आज इन्होंने ये आप बता रहे हैं कि फैसला इनका चल रहा है, आने वाली घोषणा होने वाली है, तो ये साफ पता लगता है कि बीजेपी ने अपने उत्तर प्रदेश में अपने जो वोटर थे उनमें जब उन्होंने देखा कि गिरावट आ रही है उसको देखते हुए ये फैसला ले रहे हैं। और मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, भले ही ये राजनीतिक फैसला उनका, लेकिन प्रदेश की जनता के हित में, भाईचारा के हित में। आनंद सिंह दांगी ने एक बयान दिया था आज विकास जी, अगर आपको याद हो या आपको पता हो मैं बता देता हूं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के जाट बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इस आंदोलन रोहतक गए थे वो और वहां पर जाट आंदोलन जहां पर ये हो रहा है उसके बाद इन्होंने, मैं तो खुद कह रहा हूं कि क्या क्या मतलब इसी टर्म पर एक समर्थन है क्या कि यशपाल मलिक को इसी टर्म पे समर्थन किया जी, आप सपा के साथ चले गए वहां वोट मत दिलवाइए, कुछ ऐसा है क्या?
हमारा समर्थन कभी यशपाल मलिक के साथ नहीं रहा, कांग्रेस पार्टी का समर्थन हमेशा हरियाणा की जनता के साथ रहा है। हरियाणा की जनता है, आपके चैनल पे दिख रहा है, हजारों महिलाएं दिखा रहे हैं, आपका टीवी स्क्रीन दिखा रहा है, इतनी जनता जब बैठी है भूखी प्यासे, 12वां दिन हो गया। और देखिए कितनी हैरानी की बात है, ये भाजपा वाले कहते थे कि जाट उपद्रवी है, जाटों ने ये कर दिया वो कर दिया, आज 12 दिन हो गए शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। पिछली बार सरकार ने आग लगाई तो हरियाणा चल गया, आज सरकार आग नहीं लगा रही, बच रही चुनाव में बचा हुआ। इस फैसले में जो कि हो सकता है कि बहुत जल्द इसका ऐलान कर दिया जाए, इसमें एक टर्म यह भी इस्तेमाल किया गया कि जघन्य अपराध वाले मुकदमे वापस नहीं होंगे, कैसे तय किया जाएगा कि कौन से मामले जघन्य अपराध के रहे और कौन से नहीं? देखिए सगर जी, आपने एक बहुत ऐसा सवाल किया जो बहुत भारी टेक्निकल सवाल है, बड़ा भारी लीगल उसमें टर्म है ये सवाल, और इसको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। डिफाइन गवर्नमेंट ही करेगी किन किन मुद्दों को वो जघन्य मानेगी, किन किन को नहीं मानेगी। इस बीच में अगर किसी लीगल एक्सपर्ट की राय ली जाती कमेटी के लोगों द्वारा कि कौन कौन से केस वापस होंगे, कौन कौन से केस वापस नहीं होंगे, तो ज़्यादा बेहतर होता। मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पे कि मैं डिफाइन कर दूँ कि किस कानून की दृष्टि में कौन कौन से जघन्य अपराध हैं। वैसे तो चोरी तो डकैती है, मर्डर है, रेप, इस तरह के कानून, इस तरह के जो क्राइम होते हैं वो जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब इनमें से किन लोगों पर किस प्रकार की धाराएं लगाई गई हैं, कौन कौन सी धाराएं इनको जघन्य श्रेणी में आती हैं। महिपाल जी, जिस तरीके से सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि इस जो मुकदमे हैं उनको वापस ले लिया जाए, तो आपको लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरकार यही कोशिश करेगी कि जो युवा या फिर जाट समुदाय के जो लोग जेलों के अंदर बंद हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए? दो तीन बातें हैं। देखिए पहले भी कहा जा चुका है इसी चैनल पे कि सरकार ने 2100 FIR दर्ज की थी, 2100 में से 1385 FIR का डिफरेंट रीजन से क्वेश हो चुकी हैं, यानी करीब 1400, तो 700 कुछ FIR बची हुई हैं। उनमें वो किन किन श्रेणी की हैं ये मेरे पास कैटेगराइजेशन का मेरे पास कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार की दो बातें हैं, क्वेश हुई हैं, क्या सरकार ने जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी क्या सरकार ने उन लोगों के खिलाफ गलत FIR दर्ज की थी, एक सवाल। क्या सरकार ने लीनियंसी बरती है, दो सवाल। तो ये चीज़ें तो बाद में तय होंगी कि सरकार लीनियंसी बरती है या सरकार ने गलत मुकदमे दर्ज किए हैं। अच्छा महिपाल सिंह जी, एक और भी चीज़ है, क्योंकि इससे पहले ये बार 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 एक लिंक निकालने की कोशिश की जा रही थी कि हरियाणा के अंदर जो फैसला लिया जा रहा है उसका यूपी की राजनीति पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगहों पर प्रचार थम जाएगा तो लोगों को ये मैसेज पहुंचाने की क्या कोई, क्योंकि एक दिन पहले ये कहीं ना कहीं कोशिश होती है हरियाणा सरकार की तरफ से कि जो जाटों को मनाने की या फिर जो जाटों के लिए उनके हित साधने के लिए जो कोशिश हो, तो उसको उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ के लोगों को कैसे समझाया जाएगा? शुभेंदु, सिंपल सा सवाल है कि अगर आज के दिन में रातों रात जाट का एक स्वभाव बड़ा अजीब सा है, क्या मानेंगे? वो एक जगह पे खड़ा होता है तो खड़ा होता है, वहाँ से उठ जाता है तो उठ जाता है, एकदम पलटने वाला स्वभाव जाट का कभी नहीं रहा। वो बड़ा एक रिजिड से स्वभाव का व्यक्ति होता है कि जिसके साथ होता है, खिलाफ होता है खिलाफ होता है। पिछली बार इन्होंने एक एक वोट यूपी में एक एक वोट सेंट परसेंट वोट अजीत सिंह जैसे, चौधरी चरण सिंह जैसे लीगेसी के वारिस को भी धता बता के इन्होंने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन अब उनको लगने लगा कि बीजेपी ने उन्हें ठगा है और बीजेपी ने उनको जैसे एश्योरेंस दिए थे कि तुम वो बीसी भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, सम्मान मिलेगा। जैसे हरियाणा में जो हालात हुए उससे उनको लगा कि ये जैसे अभी विकास बता रहे थे कि एक ऐसी छवि बन गई बीजेपी की कि ये एंटी जाट पार्टी है। इस छवि को दूर करने के लिए हो सकता है एक ऐसा प्रयास हो, लेकिन यूपी के मामले में मानता हूँ कि ये बहुत देर से उठाया गया कदम होगा और इसका यूपी के चुनाव में कोई बहुत ज़्यादा इस समय इतनी जल्दी जाट अपने मन को बदलने वाला नहीं है। लेकिन क्या सरकार जो कोशिश में है कि जाटों को मना लिया जाए, तो आप कह रहे हैं कि जाट एकदम से अपना माइंडसेट नहीं चेंज करते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार के लिए जो पॉलिसी उनकी बनी हुई है, जो माइंडसेट उनका है, वो चेंज नहीं हो पाएगा? इसके आगे और भी चुनाव आएंगे, हरियाणा के चुनाव भी आएंगे, साथ में राजस्थान के चुनाव भी आएंगे। राजस्थान में भी तो 18% जाट समुदाय के लोग बसते हैं, मध्य प्रदेश में जाट बसते हैं, इवन गुजरात में जाट बसते हैं। नेशनल पॉलिटिक्स में असर डालता है, 5-6 करोड़ की आबादी है जाटों की पूरे देश में, आप इतनी बड़ी तादाद को ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं? उत्तराखंड में 15 को है, उत्तराखंड में भी है, हिमाचल में भी जाट बसते हैं, J&K में जाट बसते हैं, 8-9 स्टेटों में जाट बसते हैं, आप इतनी बड़ी आबादी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो ये अच्छा है। देखिए तो देवीलाल एक बात कहा करते कि लोक राज लोक लाज से चलता है। लोक लाज का मतलब आप जनता से डरिए, जन भावना से डरिए, जनता की डिमांड जो जायज डिमांड उनको मानिए, नाजायज डिमांड उनको कन्विंस कराइए कि आप जो मांग कर रहे हैं वो जायज नहीं है।
ठीक है, आप बजाय उनको क्रश करने की, आप डेमोक्रेटिक सेटअप है, आप जनभावना का सम्मान जरूर करिए। ठीक है सर, विकास जी आप लोगों ने इस पूरे आंदोलन को समर्थन दे रखा है कांग्रेस पार्टी ने, अगर ये फैसला अगर कुछ घंटों में आ जाता है कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? हमने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, अगर हरियाणा के जाट भाइयों के हित में जो निर्दोष बच्चे जेलों में बंद हैं अगर वो बाहर आते हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। फिर नहीं, इस आंदोलन को लेकर के फिर संदेश क्या देंगे आप? आंदोलन को लेकर संदेश क्या देंगे मतलब मैं समझा नहीं। अगर अभी भी यशपाल मलिक गुट जो इस आंदोलन को आगे कर रहा है, बढ़ा रहा है, कई मांगे हैं, अगर इस मांग को सबसे एक प्रमुखता से महिपाल जी ने कहा कि सबसे टॉप प्रायोरिटी पर अगर कोई मांग थी तो यही थी कि इन दो नवयुवक जो बंद हैं उनको रिहा किया जाए, मामले उनके ऊपर से खत्म किए जाए। देखिए प्रजातांत्रिक प्रणाली में हर इंसान को अपनी बात शांतिपूर्वक धरने दे करके रखने का हक है और जाट समाज यही कर रहा है, इसीलिए हमारी पार्टी ने कहा कि जहाँ हरियाणा के हित की बात है, अगर इतनी बड़ी मेजोरिटी में इतने लाखों लोग हरियाणा में बैठे हैं अपनी मांग को जायज़ तरीके से रख रहे हैं तो हमारी पार्टी ऐसी बातों का समर्थन करती है। अगर जहाँ पर भी जाट बिरादरी के लोग पिछड़े हुए हैं अगर वो आरक्षण मांगते हैं एक सर्वे के अनुसार अगर बढ़ता है तो उन्हें देना चाहिए, हम यही बात कहते हैं। और अगर देखिए ये तो जाटों ने निर्णय लेना है, हरियाणा के जाट भाइयों ने सोचना है कि क्या वो इस मांग से एक मांग से ही सेटिस्फाई होकर धरना वापस लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी धरना नहीं दे रही है, धरना हरियाणा की जनता दे रही है। अगर वो लोग जारी रखना चाहते हैं तो कांग्रेस क्या उनका समर्थन अभी भी करेगी या कांग्रेस भी समझाने की कोशिश करेगी कि चलिए देखिए एक मांग आपकी मान ली गई है बाकी टाइम पीरियड ले लिया गया है, आप लोग ये धरना छोड़िए। क्योंकि विकास जी पिछली बार भी हमने देखा था कि 14 से 18 तक जो था माहौल वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से था, अचानक से चीजें कब कैसे बदल जाएंगी या बदल गई पिछली बार और इस बार हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई चीज हो, अगर फिर भी हो जाती तो इससे बेहतर है कि आप भी कन्विंस करने की कोशिश करें। साकेत जी पहली बात तो मैं पिछली बार के आपने उल्लेख किया उस पर बता दूं कि पिछली बार जो चीजें शांतिपूर्वक चल रही थी उसको खराब करने में 35 बनाम एक का नारा दे करके जो इनके सैनी साहब ने जो आवाज उठाई थी, जो उन्होंने अपनी ब्रिगेड बनाई थी, और उसके अलावा जो रात को हॉस्टलों में जाके बच्चों पर डीएसपी अमित भाटिया ने लाठीचार्ज करा उसके कारण माहौल खराब हुआ, उसमें हरियाणा की जनता का हाथ नहीं सरकार का हाथ है, हम पहले भी आरोप लगा चुके हैं। और इस बार अगर सरकार यूपी के चुनाव को देखते हुए, मैं तो आज भी कहता हूं इन पर मुझे शक रहता है सरकार पर हमेशा, यूपी के चुनाव को देखते हुए इन्होंने सैनी साहब की थोड़ी पकड़ टाइट कर रखी है इसलिए शांति चल रही है। नहीं मैं बस मैं इतना पूछना चाह रहा था कि इस फैसले के बाद अगर ये फैसला आ जाता है कुछ घंटों में कांग्रेस क्या कन्विंस करने की कोशिश करेगी समुदाय को? हमने तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी धरनों पे गए थे, उन्होंने एक ही बात कही थी वहां, हम आज भी उसी स्टैंड पे कायम है, अगर आप शांतिपूर्वक धरना देते हैं और अपनी मांगों को रखते हैं तो हम आपके साथ हैं। सर, हमारा आज भी स्टैंड, अगर कल को पूर्ण और अशांतिपूर्ण के बीच एक बहुत महीन लकीर है सर। महीन लकीर कब, कब, कब कदम इस ओर से उठ उस ओर पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन समर्थन अप्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो या प्रत्यक्ष हो जैसे भी समर्थन मिल रहा हो, मान ली आपकी बात, समर्थन से एक बहुत मनोबल बढ़ जाता है सर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपने कहा एक महीम से लाइन है, महीम से लाइन तो मान ली हमने आपको, बहुत थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि फिर शांतिपूर्वक धरने को आदमी करना ही छोड़ देगा। अगर शांति और अशांति में थोड़ा सा फर्क है, ये तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो हरियाणा में कैसे अमन और शांति बनाए रखेगी, पहली बात। दूसरी बात रही हमारी पार्टी के स्टैंड की, अगर जाट भाई इस मांग को लेकर के और अपने धरने वापस लेते हैं तो भी हम उनका स्वागत करते हैं, और अगर उनको लगता है कि अभी हमें और मांगे रखनी है तो हमारी पार्टी शांतिपूर्वक धरने के हमेशा साथ है, कोई भी समाज दे, खाली जाट समाज की बात नहीं, 36 बिरादरी में से कोई बिरादरी दे तो हम उसके साथ हैं। दिल्ली से हरियाणा का कनेक्शन रोक देंगे, रोड सड़क कहाँ रोक देंगे, आप ऐसी बातें मत कीजिए, कोई रोक नहीं रहा, देखिए आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, हरियाणा में शांति बनी हुई है। एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर उन्होंने हाईवे को जाम करने की कोशिश शुरू की कांग्रेस का साथ रहेगा फिर भी? नहीं बिल्कुल नहीं रहेगा, अगर मैं तो साफ कह रहा हूँ जहां भी वो कानून के दायरे से एक इंच भी बाहर होते हैं कांग्रेस पार्टी उसी टाइम उनसे अपना समर्थन वापस ले लेगी। हम किसी भी शांतिपूर्वक धरने के समर्थन में, अशांतिपूर्वक धरने के कभी समर्थन में ना कांग्रेस रही है ना हमारी नीतियां है शांति की। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से कृष्ण ढुल साहब भी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा के अंदर मौजूद है, फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। कृष्ण ढुल साहब कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि जाट आंदोलन में जो दर्ज मुकदमे थे उसको वापस लेने के बाद ऐसे संकेत फिलहाल मिल रहे हैं, सबसे पहले यही जानना चाह रहे हैं। यही शुभेंदु जरा पूछ लेते हैं सर, पुख्ता करेंगे इस खबर को? ढुल साहब सुन रहे हैं आप? जी शुभेंदु, सवाल यही है कि क्या ये जो खबर सामने आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि कुछ मुकदमे वापस लिए जाएंगे जघन्य अपराधों वाले मामलों को छोड़कर, इसकी पुष्टि कर रहे हैं आप? नहीं, मेरी जानकारी में इस प्रकार की कोई भी तरफ से कोई सूचना नहीं आई है जी, क्योंकि मेरी चुनाव में ड्यूटी लगी हुई थी अपना उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से बिल्कुल सीधा भी रास्ते में घर पहुंचना था तो आपके चैनल पर आने का अवसर मिला। सर ये बता दीजिए कृष्ण ढुल साहब, फिर एक मौजूदा स्थिति बता दीजिए,
कि उत्तर प्रदेश में आप हैं और लौट रहे हैं उधर से, तो ये बता दीजिए जाटों में रुख क्या है, इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई हरियाणा में इसका असर कितना है? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनावों के दरमियान भारतीय जनता पार्टी को पर्टिकुलरली जाट बेल्ट में बहुत भारी विजय प्राप्त होने वाली है। सभी कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से काम किया है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश का मतदाता इस बार इस मन को बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश से लौट रहे हैं पूरे एकदम चुनावी माहौल में हैं आप, रंगे हुए एकदम चुनावी बातें कर रहे हैं एकदम। नहीं, आपने पूछा माहौल क्या है, तो माहौल तो मैं बताऊंगा क्योंकि मैं चुनाव से आ रहा हूँ। तो उस माहौल की जहाँ मैं ड्यूटी लगी थी चुनाव के दरमियान जाट बेल्ट में जहाँ मैं रहा हूँ, वहाँ की वस्तु स्थिति आपने मुझसे पूछी तो मैंने जानकारी दी। आपने फिर बताया, हेलो जी सर हम सुन रहे हैं बिल्कुल बताइए। आपने अब पूछा मुझसे कि कोई इस प्रकार की, मुझे अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई होती तो सर क्या बता देते आप, लेकिन अगर इस प्रकार की सरकार घोषणा कर रही है तो हम भाजपा करें तरफ से स्वागत करेंगे, निश्चित तौर पर स्वागत का कदम है। लेकिन आधिकारिक तौर पर मेरी जानकारी में अभी कुछ नहीं है। हाँ, 5 ऑफिसर की कमेटी जरूर बनी है आंदोलन हो रहा है। आप ये मान रहे हैं कि यूपी के चुनावों पर या फिर यूपी की जनता पर, यूपी के जाटों पर इसका प्रभाव है? नहीं, मेरे अनुसार और मेरी अगर आप व्यक्तिगत टिप्पणी लेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार से, मैं खुद जाट हूँ और जाट बहुल क्षेत्र में 3-4 विधानसभाओं में मैं घूम कर आया हूँ, तो वहाँ पर इस प्रकार का कोई भी माहौल नहीं है जिसको ये लगे कि जाट जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ठीक है, ये एक चीज है, लेकिन महिपाल सिंह जी, क्या वाकई में जिस तरीके से नकारा जा रहा है, जिस तरीके से इनकार किया जा रहा है कि इसका कोई प्रभाव उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों पर नहीं है या जाट समुदाय पर नहीं है? कहाँ पर, किस चीज का? अब जिस तरीके से सरकार का जो फैसला है या हरियाणा के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसका, क्योंकि हम लगातार इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा के अंदर की जो स्थिति है उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ रहा है या फिर जाट समुदाय पर पड़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात से इनकार कर रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ इसके समर्थन में कि कोई 15-20 रोज पहले की बात है, 25 दिन रोज पहले की बात है कि राजकुमार सैनी की एक सभा होनी थी उत्तर प्रदेश के वेस्ट यूपी में कहीं पर, और उसको मतलब लोगों ने तैयारी कर ली कि हम इसकी सभा नहीं होने देंगे, और ये हालात को देख के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको सभा करने की इजाज़त नहीं दी कि माहौल ख़राब होगा इस बात से। तो इससे ऐसा लगता है कि वहाँ का जाट जो है वो जैसे पिछली बार जाट ने 100% सपोर्ट किया था बीजेपी को, अब की बार जाट उसके पास उस ताकत में उनके साथ नहीं खड़ा है और वो वापस लौट के अजीत सिंह के खेमे की तरफ चला गया है। ठीक है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का जरूर हो चुका, लेकिन उससे पहले एक बात हम ढुल साहब आपसे एक सवाल है मेरा जिसका जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे। सवाल ये है कि अगर सरकार कुछ घंटों में ये ऐलान कर देती है इन मुकदमों को वापस लेने का, फिर भी क्या आपको नहीं लगता कि ये कदम देर से उठा हुआ कदम है, बहुत पहले ये कदम उठ जाना चाहिए था? इस सवाल का जवाब तय रखिएगा, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।